मैम। मैम नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। बस अब आई। यस मैम। मिस्टर नारायण इज वर्किंग। नारायण काम कर रहा है ऑन हिज बुक। ही इज इन हिज स्टडी। व्हाट इज स्टडी? स्टडी इज अ रूम। मैम आप क्या पढ़ा रहे थे? मुझे अभी क्लास ज्वाइन हो गई। कोई इशू नहीं है, पेज नंबर 30 ओपन कर लो। इसीलिए मैं क्या है वक्त पर क्लास ज्वाइन करो। उजैर क्या बात है? सिट प्रॉपरली। क्या मसला है आपका? तुम्हारे बाजू खुले हैं, क्या मसला है? सिट डाउन उजैर एट वन प्लेस। व्हाट आर यू डूइंग देयर? फोन फोकस एक जगह से सही से रख लो। मैं इसीलिए फिर लेट आने नहीं देती हूँ, बिकॉज आप सब क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। मैम पेज नंबर क्या है? 30 बोला हजार दफा। तो नाउ सी द सेकंड, मिस्टर नारायण इज वर्किंग ऑन हिज बुक। वो अपनी बुक पे काम कर रहा है। ही इज पेज नंबर क्या है? मुझे नहीं पता। हु इज द स्टूडेंट? आप किस क्लास में है और कितने दिनों से क्लास दे रहे हैं मेरी? किस कितने दिन हो गए आपको क्लास देते हुए मेरी? पांच लेट आठ लेट पेज नंबर पहचान, जबकि ये पता है अभी तक मैंने बोला 30, मतलब अभी रटा हो गया 30 पेज नंबर। जब आप अपने खेलने से आपको फुर्सत मिलती है, फरागत मिलती है, आपको लेटने से आपके नखरों से आप फारिग हो जाते, फिर आपको याद पड़ता है कि कुछ ना कुछ काम था। उधर तुम एक जगह बैठ रहे हो कि मैं तुम्हें क्लास से रिमूव कर रही हूँ, या तो फोन उस जगह से रखो कि तुम सही से देखो मुझे। अजरा ये कैमरा क्यों बंद रखा है? सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि ही इज इन हिज स्टडी। पेज नंबर टू, ये पेज नंबर 32 ए क्वेश्चन नंबर, ये फिल इन द ब्लैंक। तो क्या स्टडी हो गया? द प्लेस जो रूम जो होता है जहां पर आप पढ़ने के पर्पस के लिए बैठते हैं। अब दूसरा है यू मस्ट डैश फॉर एन आवर एवरीथिंग। तो यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्ब है, वहां पर किसी जगह का नाम है, दैट इज अ नाउन। नाउ सी पेज, ये दिस थर्ड ए फ्लैग। क्या आवाज नहीं आ रही है? आ जाएगी। दिस डैश इज ऑफ वेरी क्यूट प्लम बेबी। दिस व्हाट? दिस पिक्चर, ठीक है। दिस पिक्चर इज ऑफ वेरी क्यूट प्लम्प बेबी। दिस पिक्चर मीन्स ये जो तस्वीर है ये बहुत प्यारी है। नाउ सी सी का दूसरा बी पार्ट देख लीजिए। आई कैन डैश यू डांसिंग ऑन द स्टेज। आई कैन पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर होगी इमेजिन करना, पूरा तस्वीर बनाना, ठीक है। देयर इट मीन्स इमेजिन। आई कैन पिक्चर यू, सो वहां पर ये किसी चीज का नाम है, यहाँ पर ये काम है कि आप इमेजिन कर रहे हो, सो इट्स अ वर्ब। समझ आया? अब आपको दो चीजें याद में रखनी है कि अगर आप किसी चीज को नाउन इस्तेमाल कर रहे हो तो ये नाम होना चाहिए, जगह का, प्लेस का, थिंग का। अगर आप वर्ब इसको बना रहे हो तो इट शुड वर्क, के काम करना चाहिए सेंटेंस पे। तो यहां देख लीजिए, द डिटेक्टिव डैश इज उसका नाम, कोई चीज, नेम ऑफ अ थिंग। डिटेक्टिव नेम, एन ए एम ई, नेम इज बॉर्न, ठीक है। अब दूसरा है नेम अ फ्यू फ्लावर्स। जरा नाम बोलो, नेम बोलो, नेम नेम सम फ्यू फ्लावर्स।
कि आप फिर से मैं रिपीट करूंगी, ये सब पहले जैसा, इसमें पहले में पंप्स आएगा, दूसरे में भी पंप आएगा, तीसरे में स्टडी आएगा और फिर उसके बाद भी स्टडी आएगा, फिर थर्ड ए में पिक्चर आएगा, बी में भी पिक्चर आएगा और फोर्थ में नेम आएगा, बी में भी नेम आएगा। क्लियर हो गया आप सब? yes, क्लियर हो गया? कौन बोल रहा है पेज नंबर क्या है? जरा प्लीज आप मुझे अपना चेहरा एक बार बताइए, कौन बोल रहा है पेज नंबर क्या है? बहुत अच्छा, नहीं बैठ जा, ये कौन बोल रहा है पेज नंबर को क्या है? हाँ, यू कुछ वानान, इज इट तवसुल सिंह? हाँ मैम, मैम थर्ड वाले का ए पार्ट बताइए। थर्ड वाले ए का आएगा ना, पिक्चर इज वेरी क्यूट। नादिया जहरा पेज नंबर 30 है, जिस तरीके से तुम देख रही हो तुम्हें ही नहीं पता होगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैच द ऑपोजिट, उल्टा, जिसको हम एंटोनियम भी कहते हैं, ठीक है? आपको वो मैच करने हैं ऑपोजिट वर्ड्स, इसके उलट, इसके ऑपोजिट्स, एंटोनियम्स। इंटरेस्टिंग हो गया, दिलचस्प, इसको ऑपोजिट क्या आएगा? बोरिंग, द वर्ब इज बोर। सेम का आएगा, दैट इज सेम जो होगा उसका क्या आएगा? डिफरेंट। हैवी हो गया भारी, उसका क्या आएगा? लाइट। अलॉट मीन्स बहुत, उसका क्या आएगा? अ लिटिल, थोड़ा सा। मोर बहुत, उसका क्या आएगा? लेस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इंटरेस्टिंग का बोरिंग आएगा, सेम का डिफरेंट आएगा, मैच करना है इसको। आएगा हैवी भारी है, लाइट हो गया लोट, लोट हो गया बहुत, अ लिटिल हो गया थोड़ा सा। हाँ जी, हम इसको नाम दे दीजिए, मैच कर लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे आपका मन करे। मोर को आएगा क्या? आएगा लेस। ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अबे यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, वो है एपोस्ट्रोफी एस। क्या है? दिमाग मेरी तरफ ही रख लेना। एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल होता है, पहले एपोस्ट्रोफी एस होता क्या, कैसा है एपोस्ट्रोफी एस? चाहिए तो भला भाई मंद चार चो। हाँ ओके अच्छी भी नहीं है तो चलेगा। مومن صاحب تُہ ما آمت سڑکہ پیٹ کت بکواس کرنے یہ کلاس چلان کی چلان لڑے تہ کیا کر رہے ہو یہاں پر کس طریقے سے ماں کو بلا رہے ہو تم क्या पड़ेगी छे भाई देखो ये रियर से वाला ही वेद दे यार कॉलिंग बदतमीज बच्चे मतलब मुझे आप एक बात बताओ ये मेरी क्लास में कौन आता है और किस तरीके से बुलाता है ऐसे लगता है जैसे मछली की दुकान है मेरी क्लास ओके नाउ व्हाट इज हियर इज एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी एस देख लीजिए मैंने अमित लिख लिया यहाँ पर और अमित के साथ जो मैंने ये लिख लिया
ये जो मैंने लिख लिया अमित के साथ, जो मैंने क्या कहते हैं उसको कॉमा ऊपर लिख दिया और एस, दिस इज नोन एज एबेस्ट्रॉफी एस, इनको भी दिखाओ, तो इसको हम एबेस्ट्रॉफी एस कहते हैं। अब देख लो एबेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल क्या है, योकन थर्ज दिमाग बराबर एबेस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल गसानगेल कसी इंसान सुन का चीज आसे पोजिशन आसे, पोजिशन को बुवन की मीन कॉपी मीन पेंसिल मीन चीज की दिखाने, आपका दिखाने का मकसद हो कि इसका मालिक मैं हूं, ये मैं पोजेस कर रहा हूं, ये मेरी चीज है। अब याद रखेंगे कि ये चीज खाली लिविंग थिंग्स के साथ होती है, ये लिखा इंसान आज से जब आप इंसान होंगे तभी तो आप किसी चीज के मालिक होंगे, जानवर किसी चीज का मालिक होता है नहीं, उसको नहीं पता इसका इस्तेमाल क्या है, ये इसको क्या करना है। एक इंसान के पास ही अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है कि जो वो किसी चीज का उसके पास प्रॉपर्टी होती है वो मालिक हो जाता है या वो कह सकता है कि ये चीज मेरी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एबेस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड कि दिखाने के लिए कि फलानी चीज मेरी है एंड वो इस्तेमाल होती है लिविंग थिंग्स के साथ। अब अगर आपके पास नॉन लिविंग का केस हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि कुर्सी है जंग, मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी द लेग ऑफ टेबल या चेयर, वहां ऑफ लगता है दिखाने के लिए कि ये कुर्सी हासा ये जंग हासा या ये नर हासा छे टेबल, वहां लेग्स टेबल गलत है, वहां पर आएगा द लेग ऑफ टेबल। इज इट गेटिंग क्लियर? दैट मीन्स कि आपको क्या करना है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ आप एबेस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते, वहां पर आपको ऑफ लगाना है एंड देन आप खाली एबेस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ। क्लियर हो गया? यस मैम। गेटिंग क्लियर? समझ हुआ तरान? यस मैम। यस मैम। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज है, जैसे आप मुझे बता दो, मैं जैसे बता दूंगी, हाँ ये देख लीजिए, जरा किसी कोई ऐसी चीज बताइए जो एंड हो जाए ऐसे ही, नहीं। अब यहां पर देख लीजिए, एक सेकेंड, कोई आया? नहीं तो मैं यहाँ दरवाजे से कह रही हूँ। अच्छा, मुझे सकुन सातन क्या आ चुका, सकुन सातन चुका नाउन आसा है किसी चीज का ना आवास सो फिर एंड गसा एस से क्या चुका सा एंड एंड एस से, जैसे नमराज है ठीक है, अब मैंने इधर एस भी लगाया, अब अगर नमराज नाम है वो एंड होता है एस से, ताच ऑलरेडी पानून एस, मैं शोन के एम्सन किताब नमराज बुक्स लगावा दोइले तेल एस, वहां दो एस के बदले एक एस लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपकी पिक्चर के लिए रख दिया है ताकि आप देख ले। जहां समझ नहीं आए वहां बोलिए, दो तीन दफा मैं रिपीट करूंगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सोना बंद कर लो। सी दिस वन क्लियरली, ये देख लीजिए, ये देख लो यहाँ पर, यहाँ पर जो नाम है ना, इधर नमराज मैंने लिखा है, मुझे दिखाना है कि नमरा की किताब ऑलरेडी ऐसे नमराज, ये जो नाम है ये एंड होता है एस में, अब मुझे अगर दिखाना है कि नमराज बुक में लाइक ना डबल एस, तो वो गलत है, आपको उधर डबल एस नहीं लगाना है, उसके बदले दो एस के बदले आप एक ही एस लगाएंगे, दैट मीन्स तो लगे अको एबेस्ट्रॉफी एस, तो मतलब वो कि शुद्ध अश्विनी नमराज बुक्स। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? डबल एस लगाने जरूरत क्या, ये शायद ऐसे है, ये ऐसे है, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको, ये रूल है नहीं बट आई एम स्टिल टीचिंग यू। वो एंड में लगेगा, फिलहाल के लिए आप दे ये है, दैट्स इट।
ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, दिस इज लाइक दिस, ठीक है? इसको लिखना है, फिर एंड में एबस ट्रॉफी डालनी है, ठीक है? समझ आया? ऐसे लिखना है, पूरा मिलाना, फिर एंड में एबस ट्रॉफी लगानी है, ठीक? हाँ, यहाँ पर आपको ये सीखना नहीं है, लेकिन अब हमें यहाँ पंक्चुएशन करनी है। पहला, पहले जो है, द बॉय पुल्ड अ थॉर्न आउट ऑफ डॉग्स पा, ठीक है? एबस ट्रॉफी एस, क्योंकि अब यहाँ पर डॉग फिर भी लिविंग थिंग है ना, तो अच्छा जू, ठीक है? आप देखो ही मास, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आउट ऑफ द पा ऑफ डॉग, वो भी ठीक है, पा ऑफ डॉग लिख सकते हैं आप। यहाँ देख लीजिए, हीमा समटाइम वेयर्स हर मदर शॉल, तो एपोस्ट्रोफी लगेगा ना मदर के साथ। इससे लिखा है, एस भी लिखा है, लेकिन आपको एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगाना है। द टू एप्स वेयर पुलिंग द मंकीज टेल, ठीक है? टू चिल्ड्रन एडमायर्ड द सोल्जर्स स्मार्ट यूनिफॉर्म, मैं दिखाऊंगी, टेंशन मत ले लो। Ivory is obtained from the elephant's tusk. ठीक है, आप इधर से देख लीजिए कैसे करना है। आएगा गर्ल्स, ये है ना वो डॉग, आयतिश पेट के अलावा उन्हें भी, अगर नहीं आ रहे तो इधर आ जाओ। अब देख लीजिए, ये मैंने आपके लिए यहाँ से लाया, द बॉय पुल्ड अ थॉर्न आउट ऑफ डॉग्स, तो एस के बीच में लगेगा एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर मदर्स के बीच में, एस के मतलब पहले लगेगा, मदर्स शॉल, मंकीज टेल, सोल्जर्स स्मार्ट यूनिफॉर्म, एलिफेंट्स टस्क, आ गया समझ? तो आई आवा फिफ्थ क्लास, यस मैम, यस मैम। अब यहाँ पर है लेट्स राइट, तो पहले देखते हैं, लुक एट दीज पिक्चर्स, द मतु विचो सेम शक्ल, तो आप क्या करेंगे, आपको टाइटल देना है स्टोरी को। पहले क्या है, पहले इसमें सेंटेंसेस दिए, राजू इज टेकिंग हिज डॉग आउट फॉर अ वॉक, सुबह की सैर के लिए, ठीक है? वॉक, अ नॉटी बॉय, लेकिन एक एक शरारती बच्चा यहाँ पर उधर ही है, नॉटी बॉय थ्रोज अ थ्रोज स्टोन throws a stone, throws stone at a at, यहाँ पर क्या है ये, Raju is taking his boy for a walk, a naughty boy throws stone at a dog, ठीक है ना, at dog, an angry dog, या an लिख लो, an काट लो, the angry dog chases boy. Never throw stones at animals. I am sorry, I shouldn't have done this. ये सिंपल है, अगर आप इसको पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, जरा ऊपर से इसने आपको हेल्प भी दी है, अब आपको स्टोरी बनानी है। यहाँ पर लिखा है इसने, Raju was taking his dog out for a walk, ठीक है ना? आप यहाँ लिखेंगे Raju is taking his dog out for a walk, फिर क्या लिखेंगे, on his way, ठीक है? फिर आप लिखेंगे A naughty boy throws a stone at a dog. ठीक है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। उजैर बातें बाद में कर लेना, जब जरा एक सेंटेंस बताओ उजैर, यस जरा बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं मैम, इंग्लिश, ये क्या इंग्लिश, पेज नंबर 30 एपोस्ट्रोफी की, एटमोस्ट्रोफी वो तो खत्म हो गई, हम तो पिक्चर पढ़ रहे थे, लेट इज राइट पढ़ रहे थे, पेज नंबर 31 यलच कथत्रावक ना करनी चत्यासी पाई इसका इतना सर्च, मेरी क्लास में कल से नहीं आना अगर बातें करनी है। नाजिया जहरा सीधे रखो बुक, अब
देख लीजिए तो आपको ऊपर जो आपके सेंटेंसेस हैं उनकी हेल्प से आप लगा सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं। आप प्रेजेंट में लिखिए या पास्ट में, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको स्टोरी बनानी है तो पास्ट में लिखेंगे, राजू वॉज टेकिंग, इज नहीं आएगा, वॉज आएगा पास्ट। Taking his dog out for a walk. A naughty boy throw के बदले क्या आएगा, थ्रिव, ठीक है ना। A stone at a dog. An angry dog chased या chases. अब इसी टेंस में लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको आसानी हो जाए। सो ठीक है, राजू स्टॉप द डॉग एंड सेड टू द बॉय नेवर थ्रो द स्टोन। ये है ना, यहाँ पर पिक्चर्स की हेल्प से आपको कंप्लीट करना है कि कुत्ते को पकड़ता है, फिर बच्चे, फिर इस बच्चे को क्या करता है, एडवाइज, नसीहत आएगा। अगर पांच ही सेंटेंसेस बनाएंगे तो प्लीज आप बना लीजिए, मुझे कल दिखाइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जितना इनको जितना आपने आज पढ़ा उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इनको? पहले आप तो इधर ही हो, आप कहां जाओगे बताओ? आप लोग, फाइका आपको समझ आया सारा? यस मैम। नबील बेटा यू, आपको सारा कंप्रेहेंड हो गया, समझ आया? यस मैम। तवसुल तुम्हें समझ आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। आनुल फातिमा आपको क्लियर हो गया मैंने क्या पढ़ाया आज? जरा बताओ, एविस्ट्री ट्रॉफी किसमें इस्तेमाल होती, जरा बताओ कहां पर? बनाओ तो आपका। हाँ बोलो, क्लास का टाइम हो गया, एक मिनट ज्यादा ही लिया मैंने। व्हाट्स योर होमवर्क टुडे इज, कि आप लेट्स राइट ये कर लेंगे, राजू क्या कर रहा था कैसे वो आप कर लेंगे। वंशा बोलिए। क्या बोलूं मैम? यही सेंटेंस है, राजू, वो तो टाइम हो गया ना, क्लास ओवर हो गई, मैंने ऑलरेडी बोला था कैसे करना है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।